सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मैनपुरी के किशनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व विधायक आलोक शाक्य और पूर्व मंत्री तोताराम यादव ने भोगांव तहसील का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोगों की मांग ये है कि ये जो सरकार भ्रष्ट है, गुंडागर्दी, बलात्कार, ये सब इस सरकार में हो रहे हैं और यही सरकार एक ऐसी है जिसमें 10 साल के नीचे की लड़कियों से बलात्कार हो रहा है किसी सरकार में, क्योंकि यंग लड़कियां जो थीं वो तो अपने भविष्य को जानती थी और उन लड़कियों का मर्डर हो रहा है, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है कि ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करिए, और भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं करोगे तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएगी और जेल भरेगी। तब तक हम जेल भरना बंद नहीं करेंगे जब तक बीजेपी सरकार को नष्ट नाबूद नहीं कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार जो इस समय जन विरोधी नीतियाँ और अपने हिटलर शाही के तौर पे जिस तरह जनता का उत्पीड़न कर रही है, चाहे वो बिजली के रूप में, चाहे वो फर्जी मुकदमे के रूप में, चाहे वो चालान वाहन चालान के नाम पर जिस तरह लूट रही इस रूप में, चाहे महंगाई के रूप में जिस तरह उत्पीड़न कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी हर तहसील पे विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कर रही है। ये पूरे प्रदेश में बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ये आह्वान किया तहसील पे, और हम सारे लोग इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मुखर होकर हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा भोगांव जनपद मैपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, और ये सरकार जो काम कर रही है किसानों के प्रति, बेरोजगारियों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसमें हम लोग एकत्रित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वजह यह है कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया, इन्होंने उद्योगपतियों को लाभ मिलाया, किसानों को कोई फायदा नहीं दिया, और इसके साथ ही साथ हम जो यहाँ विकास का काम है इन्होंने ठप कर रखा है। जो हम लोगों ने काम किया है उसी पर अपना पत्थर लगाकर विकास की बात करते हैं। दूसरा है सबसे बड़ा काम, जो अनुसूचित जाति के छात्र थे जिनकी पढ़पूर्ण मिलती थी वो पढ़पूर्ण खत्म कर दिया। बहुत सी सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। पुलिस का उत्पीड़न इस जिले में सबसे ज्यादा है। सत्ताधारी पुलिस के बदौलत लोगों को डरवा रही है, धमका रही है, उनसे पैसा वसूलवा रही है। इस सबके विरोध में जनता सब समझती है, अगले बार 22 में पता चल जाए। जिंदा करने के लिए हम नहीं आए हैं, वो खुद ही मुर्दा थे। उधर बांदा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की राज्यपाल के नाम पर भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा से राज्यसभा सांसद विश्वंबर निषाद ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार मूक दर्शन बनी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम किया है कि महंगाई की बेतहाशा वृद्धि है। आज पेट्रोल और प्याज बराबर मिल रही है, 75 रुपये किलो प्याज और 75 रुपये लीटर जो है पेट्रोल। ये है भारतीय जनता पार्टी का खेल। और डॉलर जो हमारा ये कम होना चाहिए था, कम होने के बजाय आज 75 रुपये में डॉलर पहुंच गया। हर तरह से पूरी तरह से हाहाकार जनता मचा हुआ है, किसान नौजवान सब परेशान है, दलित जो बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिला करती थी उनकी बंद कर दी गई है, जो हमारे किसान हैं उनको अन्ना जानवरों से इतनी परेशानी है कि आज अन्ना पशु जो है उनको